वन प्लस, आप लोग उसके बारे में जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ें जानते होंगे और शायद काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक तो आपको नहीं पता होंगी। सबसे पहले बताते हैं आपको कि वन प्लस जो है वो एक बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है चाइना की, उसकी एक सब्सिडरी ब्रांच है। बीबीके में आपको और भी कंपनियां मिलती हैं जिनका नाम आपने बहुत बहुत बार सुना होगा। एक है ओप्पो, दूसरी है वीवो और जो तीसरी कंपनी है वो है वन प्लस। दिसंबर 2013 के अंदर पेटे लू ने और काल पाई ने इस कंपनी को शुरू किया था वन प्लस के नाम से। इनोवेटिव डिज़ाइन के साथ में इनोवेटिव चीज़ें यहाँ पर लाने की कोशिश की थी और बताया गया था कि फ्लैगशिप फ़ोन लेकर आएंगे सबसे कम दाम के अंदर। 23 अप्रैल 2014 को जो है उन्होंने अपना पहला जो है वो स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसका नाम है वन प्लस वन। लॉन्च के साथ ही इस फोन ने जो है वो बहुत धूम मचा दी थी पूरी दुनिया भर के अंदर। लेकिन ये फोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनवाइट बेस यानी कि इनविटेशन के ऊपर ही मिलता था। बहुत कुछ सोचने समझने और जानने के बाद मैंने इस फोन को 16 अक्टूबर 2014 को US में ऑर्डर किया था। एक इनवाइट मुझे मिल गया था, मुझे बहुत क्रेज हुआ था इस फोन के लिए वन प्लस वन का। लगभग 2 से 3 नवंबर को मुझे ये फ़ोन मिल गया था इंडिया में। लगभग मुझे कीमत जो पड़ी थी वो टोटल पड़ी थी लगभग 28,000 रुपये उसको लेने की, जबकि उसकी जो नॉर्मल कीमत थी वो $349 थी, 4 GB 64 GB वाले वर्जन की। और जो स्नैपड्रैगन था वो था 810 यानी कि 810 स्नैपड्रैगन उसमें दिया गया था उस वक्त के अंदर। और उस वक्त में जो है ये 4G LTE वाला बड़ा ही ज़बरदस्त जो है फ़ोन हुआ करता था। मैंने इस फ़ोन को लगभग 6 महीने यूज़ किया था मार्च 2015 तक, और उसके बाद में उसको जो है वो सेल कर दिया। लेकिन उससे पहले दिसंबर 2014 के अंदर जो है वन प्लस ने इंडिया में अपना कदम रखा, इंडिया में अपना जो है मार्केट बना लिया और वहाँ पर कुछ कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती थी। यानी कि उसको जो है वो माइक्रोमैक्स की तरफ से एक एलिगेशन मिल गया था कि साइनोजन मोड जो है वो माइक्रोमैक्स का यू टेलीवेंचर का जो है वो और क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव है। लेकिन उसका जो बैन था यानी कि बैन लगा दिया गया था वन प्लस के ऊपर कि वो अपने फ़ोन नहीं बेच सकती है, लेकिन वो बैन सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में हट गया था और उनको मिल गया था। उसके बाद उन्होंने जो है वो 2015 के अंदर अपना दूसरा फ़ोन निकाला जिसका नाम रखा OnePlus 2। वो भी जो है वो एनवाइट बेस्ड फ़ोन था, निकाला था। बड़ी उम्मीद थी उस फ़ोन के साथ में, मैंने कुछ उसके रिव्यू भी किए थे लेकिन इतना जो है उसमें मज़ा नहीं आया। उसके बाद उन्होंने दिवाली पे निकाला 2015 में अपना OnePlus X। छोटा स्मार्टफोन था, 5 इंच की स्क्रीन वाला, कुछ एक बजट सेगमेंट दिया था लेकिन उसमें भी कुछ दम जो है वो नहीं निकला। उसके बाद में आया, थोड़ा रुक कर आया जून 2016 के अंदर OnePlus 3। OnePlus 3 जो फ़ोन था उसकी जो प्राइस हो गई थी लगभग 28,000 रुपये हो गई थी और बहुत बहुत जो है वो महंगा भी यहाँ पर हो गया था। हालांकि वो 2016 का एक किलर फ़ोन था, हालांकि 820 के साथ में दिया था, सब कुछ उसमें बढ़िया था। 6 GB की रैम थी, 6 GB की रैम में वो सबसे सस्ता स्मार्टफोन फ्लैगशिप फ़ोन जो है वो वन प्लस की तरफ से था, जो बाकी कड़ी टक्कर देता था और बड़े बड़े स्मार्टफोन्स को। उसके बाद में उन्होंने दिसंबर में लॉन्च किया अपना OnePlus 3T, OnePlus 3 का एक छोटा सा अपग्रेड। आज की तारीख में हम आ गए हैं जून 2017 के अंदर, जहाँ पर OnePlus अपना जो है फ़ोन 5 लॉन्च करने वाला है। OnePlus 4 कहाँ गया उसको जो है वो स्किप कर दिया गया है, क्योंकि चाइना में ऐसा बोलते हैं कि जो 4 नंबर है वो अनलकी है। पता नहीं ये सिर्फ ऐसा लगता है कि वन प्लस वाले या फिर बीबीके वाले मानते हैं, क्योंकि शाओमी वाले तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। उनका तो Redmi 4, 4A X, 4 Prime, Note 4, पता नहीं क्या क्या निकलता है, Mi 4 भी आया था। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर OnePlus 5 के बारे में। OnePlus 5 के बारे में आज तक आप बहुत सारे लीक्स देख चुके हैं, कर चुके हैं। एक एक्सक्लूसिव लीक आपको मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, वो ये है कि OnePlus 5 जो है वो पोर्ट्रेट मोड के साथ में आएगा। अगर आपने iPhone 7 Plus में पोर्ट्रेट मोड देखा हो, हमारे Mi 6 का भी जो है ये वाला फोटो है पोर्ट्रेट मोड में मैंने लिया था, हालांकि और भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए थे, आप देख सकते हैं। सेम तरह की टेक्नोलॉजी आपको OnePlus 5 में भी देखने को मिलेगी। OnePlus 5 के डिज़ाइन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि उसमें जो है वर्टिकल कैमरा आएगा या हॉरिजॉन्टल कैमरा आएगा, तो 100% श्योर हो चुका है कि उसमें जो है हॉरिजॉन्टल कैमरा ही आएगा, जिस तरह से आपको iPhone 7 Plus में देखने को मिलता है या फिर Mi 6 में देखने को मिलता है। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 वर्जन आएंगे, हालांकि उनकी प्राइस भी आ गई साथ में, 6 GB वाला, 8 GB वाला, 64 GB और 128 GB वाला। तो 6 GB 64 GB जो है उसकी कीमत होगी 32,999। 100% कन्फर्म नहीं है लेकिन इतनी ही हो सकती है, ऐसी जो है वो उम्मीद है यहाँ पर। दूसरा जो हायर मॉडल है वो है 8 GB और 128 GB वाला, जिसकी कीमत होगी 37,999 यानी कि 38,000 रुपये के आसपास में। स्पेसिफिकेशन स्नैपड्रैगन का 835 है, पोर्ट्रेट मोड दिया गया है यहाँ पर जो कि कैमरा का एक बड़ा फीचर है। 16 MP कैमरा होने वाला है रियर में और फ्रंट के अंदर, और जो यहाँ पर रियर कैमरा उसमें नाइट मोड बड़ा ज़बरदस्त होगा, ऐसे भी कुछ फोटोग्राफ्स लीक निकल के आई थी जिससे पता लगा था। अब बात करते हैं OnePlus 5 के लॉन्च की। तो OnePlus 5 20 जून को जो है वो कुछ 6 जगह लॉन्च हो रहा है, न्यूयॉर्क के अंदर, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में, एम्स्टरडेम में और
कोपेनहेगन में, साथ साथ में चाइना के अंदर। तो कुछ इस यहाँ पर जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो 20 जून को आपको पता लग जाएगा कि वन प्लस फाइव के अंदर क्या कुछ आपको मिलने वाला है एग्जैक्टली। और उसके दो दिन के बाद में इंडिया में जो है उसका लॉन्च है मुंबई के अंदर, जहाँ पर श्री अमिताभ बच्चन और जो बाकी सारे लोग हैं वो इसको जो है वो लॉन्च करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर नई निकल के ये आई है कि वन प्लस जो है इस बार अपने फैंस को इनवाइट कर रहा है। अगर आप वन प्लस के जो है वो इवेंट में जाना चाहते हैं तो आपको 999 रुपए का एक इनवाइट लेना पड़ेगा। जी हाँ, आपकी जो एंट्री है उसकी टिकट लगेगी 999 रुपए। उसको बदले में आपको जो है कुछ गिफ्ट्स देंगे, टी शर्ट वगैरह, या फिर और एक इनवाइट कोड भी देंगे या बाय कोड देंगे, ऐसा कुछ है जिससे आप अर्ली एक्सेस में वन प्लस फाइव को जो है वो खरीद पाएंगे। तो कुछ इस तरह का जो है वन प्लस फाइव यहाँ पर आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि वन प्लस फाइव की जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छी होंगी, और जो डिज़ाइन है मुझे लगता है कि उसके भाई जो ओप्पो और वीवो हैं उनकी तरह ही सेम सा कुछ होने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड आजकल यही हो गया है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि भाई साहब तुम तीनों अपनी बॉडी जो है वो सेम कर लो, ताकि हमको देखना नहीं पड़े किसकी कौन सी बॉडी है। सेम बॉडी है, बस अपना लोगो लगाओ, कैमरा लगाओ, ठप्पा लगाओ और बस भेजना शुरू कर दो। वन प्लस फाइव ने इस तरह का जो डिज़ाइन है, हालांकि ऊपर से आईफोन जैसा बोल रहे हैं, नीचे जैसा बोल रहे हैं, काफ़ी पतला बोल रहे हैं। जिन लोगों ने देखा है अगर उनकी माने वन प्लस फाइव, तो फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो इतना अच्छा आज की तारीख में नहीं है। बाकी एक्चुअल में जब हमारे हाथ में आएगा तो हम जो देखकर आपको और जानकारी दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वन प्लस फाइव की ये जानकारी और वन प्लस के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। वन प्लस कंपनी जो है आज की तारीख में 43 कंट्रीज़ में जो है वो ऑपरेट करती है, डील करती है अपने स्मार्टफोन्स को लेकर। जी हाँ, 43 कंट्रीज़ में। सिर्फ 3 साल पहले जो है कंपनी बनी थी, दिसंबर 2016 के अंदर, और अब तक जो है अपने 5 से भी ज़्यादा फ़ोन जो है वो लेकर आ चुकी है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप वन प्लस फाइव का फर्स्ट लुक हिंदी में हमारे चैनल पर जो है वो देख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।